वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन एक इंतहाई अहम खबर और उसके ऊपर गुफ्तगू इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना था। उसके ऊपर जो आज चीज़ें सामने आई हैं, हमारे रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी, वो डिग आउट करते रहते हैं। लियारी से एक भारतीय जासूस की जो है वो गिरफ्तारी जो है वो सामने आई थी, उसके ऊपर जो तफ्तीश की गई है उसमें हैरान कुन इनकशफात जो है वो सामने आए हैं। मुकम्मल कर ली गई है तफ्तीश, अब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने क्या तफ्तीश की, उसके अंदर क्या चीज़ें सामने आई हैं, ये भारतीय जासूस किस तरह यहाँ पहुँचा और क्या उसके सिलसिले रहे, इस हवाले से ताहिर अब्बासी से मजीद जानते हैं। ताहिर अब्बासी, ज़रा तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि क्या मामला था। शुक्रिया अली रजा साहब। ये कराची का इलाका लियारी है जो कि गुज़श्ता कई अरसे से दहशतगर्दों और लियारी गैंगवार के कई मतलूब जो है वो किरदारों की मजबूत गिरफ्त में है। आज इंतहाई अफसोसनाक बात सामने आई। लियारी की अफशानी गली है जिसका इलाका है कलाकोट, दादल चौक के मकाम से कलाकोट पुलिस ने गिरफ्तारी जाहिर की है। ये भारतीय एजेंट बताया जा रहा है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। हसास इदारों ने मुश्तरका तौर पर चंद्रोस खबली ऑपरेशन किया था। यहाँ से दो अफराद को हिरासत में लिया गया था। एक का नाम जहूर बलोच बताया गया है, यह मकामी लियारी का रहने वाला बताया जाता है, जबकि जो दूसरा शख्स जिसे हिरासत में लिया गया है इससे मुतालिक इंतहाई अफसोसनाक और सनसनीखेज इंकशाफात मिले गए। ये अखिल देव है जिसकी वल्दियत बताई गई है माद हु सुधानन जे हाले का। इसका ताल्लुक भारत के रियासत केराला से है और ये बलूचिस्तान के खुफिया रास्ते से पहले ईरान गया, ईरान से बलूचिस्तान आया, केज मकरान के मकाम से इसे पाकिस्तान में दाखिली रास्ता मिला और फिर ये जो है वो बलूचिस्तान में रूपोशियाँ अख्तियार करने के बाद बिलाखिर कराची आया और अफशानी गली से मुबैना तौर पर एक मखसूस जो है वो खुफिया एजेंसी की जो है वो मुश्तरका तौर पर जो है वो नेटवर्क जारी रखे हुए था। जो कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे बता रहे हैं कि ये शख्स जहूर अहमद के साथ मिलकर जो है वो जासूसी का काम अंजाम दे रहा था, जिसके कब्जे से लैपटॉप और चार मोबाइल फोन समेत दूसरे मुलजिम से हथियार भी मिला है। दो इंडियन पासपोर्ट इससे बरामद हुए हैं। ये भारतीय शहरी है जो जासूसी की नीयत से कराची आया था और इसने यहाँ आकर अफशानी गली से अपने रबते शुरू कर रखे थे। दरअसल लियारी में इस नोयत के नेटवर्क कलदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कलचम बलोच फ्रंट जो तंजीमें हैं, इनको फंडिंग और इनके मामलात बराह रास्त देखने के लिए भारतीय एजेंट लियारी आते रहते हैं और ये बिलाखिर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेहतरीन हिकमत अमली और सख्त इंटेलिजेंस नकलो हरकत को सामने रखते हुए ये गिरफ्तारी सामने आई है। इससे तफ्तीश हुई है। भारतीय जासूस ने बताया कि जहूर अहमद बलोच से ये मकरान के मकाम पर मिला जिसने उसे बलोचिस्तान में पहले जो है वो जगह फराहम की, बिलाखिर ये कराची लाया और यहाँ से ये नेटवर्क ऑपरेट करने में इसको सहूलतकारी फराहम कर रहा था। ये जहूर अहमद भी लियारी का ही है। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने 224/2023 सहूलतकारी और फॉरन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस इनसे तफ्तीश मुकम्मल कर चुकी है। इसका जो पासपोर्ट है, भारतीय पासपोर्ट, इससे मुतालिक दफ्तर खारजा को इसका नंबर भेज दिया गया है, उसकी तहकीकात जारी है। जो अफशानी गली के मकाम पर यह ऑपरेशन किया गया था कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानब से, इसे कामयाब करार देने के बाद दोनों मुलजिमान को कलाकोट पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है जिसका मुकदमा दर्ज हो गया है। 5 लाख रुपए गैर मुल्की करेंसी भी इनसे बरामद हुई थी। दोनों मुलजिमान ने दौरान इंटरोगेशन बताया कि पहले ईरान, फिर बलूचिस्तान और अब कराची में ये मौजूद थे और इसके बाद ये नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। इनसे मुकदमा दर्ज हो गया है, तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, पुलिस इसे भारतीय जासूस करार दे रखी है। कितने अरसे थे ये पाकिस्तान शहर के अंदर थे, कुछ ये तफसीलात सामने आ सकी है ताहिर? लीजा साहब, तकरीबन कोई 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। ये मकरान के जरिए बलूचिस्तान और फिर कराची में नेटवर्क को कि जो है वो देखभाल कर रहा था। इस तरह की जो सूरत हाल है, ये खास तौर पर जो लियारी से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में जो मुलविस कारिंदे होते हैं उनको बराह रास्त भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से ताल्लुक बेहतर बनाने और माली फंडिंग समेत असले की सप्लाई और दीगर जो हसास मामला होते हैं उसके लिए सोयत के एजेंट भेजे जाते हैं। ये गुज़श्ता 1 साल से लियारी में नकलो हरकत कर रहा था। ताहिर अब्बासी, ये बस आखिरी सवाल बताइएगा, तफ्तीश में क्या कोई गैंगवार से इनसे रिलेशन सामने आए, क्योंकि लियारी में गैंगवार के भी हवाले से बात आती है सामने? अजी, इस हवाले से जो कानून नाफिज करने वाले बड़े इदारे हैं वो अपनी तहकीकात मुकम्मल कर चुके हैं। जहूर अहमद बलोच से मुतालिक जो है वो सहूलतकारी के बड़े इंकशाफात मिले गए जिसके ताने बाने लियारी गैंगवार के कई किरदारों से मिलते हैं। तहम अब पुलिस की सुपुर्दगी हो गई है, पुलिस इससे तहकीकात कर रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ इशूज़ को कैटर करें और बिलखसूस कराची के जो मसाइल हैं उसको दिखा सकें।
और उनको बता सकें, उन कंसर्न अथॉरिटी से सवाल कर सकें और उनसे जानने की कोशिश करें कि ये जो मसाइल के अंबार शहर के और शहरियों को जो सामना करना पड़ता है वो आखिर कब हल होंगे, कैसे हल होंगे, रोड मैप क्या है। यही तमाम सूरत हाल होती है जिसके ऊपर आज भी हमने प्रोग्राम किया था, जरूर से भी बात की, क्राइम स्टोरी को भी हिस्सा बनाया। अपने होस्ट अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ अहम सेगमेंट के साथ। बहुत शुक्रिया।